देख सकते हैं यहाँ पे हमारे आईआईटी कैंपस के रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर बनने के बाद भी जमीन से जुड़े हुए हैं। चित्रों में आप देख सकते हैं साफ साफ। ये देखिए उनके साथ कर्मचारी भी लगते हुए पूरी धूप में तत्परता से यहाँ पर कार्य करते हुए। जी हाँ डॉक्टर नील जी, आप बताइए, आप इस कार्य में आपकी रुचि कैसे हुई? ये जो है रुचि बचपन से ही है। जब हम जो है कक्षा 10 के छात्र थे तभी से जो है हमने गांव में रेलवे स्टेशन पर लगाते थे और सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाते थे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, ये प्रयास आपका बड़ा ही सार्थक रहेगा। पूरा कैंपस आपको आपके जाने के बाद भी हमेशा याद रखेगा। मोहम्मद रफी की तरह मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। ये देखिए सहकर्मचारी भी यहाँ पर सायराना अंदाज में कुछ कहते हुए। आज पगड़ी पहनी है, लगता है पुराने अंदाज में आए हैं। काफी दिनों से प्रेशर प्री पीएचडी का लगा हुआ था, उसके बाद काफी दिनों के बाद नजर आए हैं पुराने अंदाज में। इधर मच्छर लग रहे थे सर पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमारे दर्शकों के नाम आपका कोई खास संदेश? जो लोग कहते हैं हम बड़े बिजी हैं, काम नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते और बड़े बिजी बताते हैं, उनके लिए कुछ खास विशेष संदेश? हाँ, विशेष संदेश है क्योंकि आज के जो आधुनिक युग में हम हर प्रत्येक चीज़ के लिए जो है पे करते हैं। हम पानी पीते हैं उसके लिए पे करते हैं, हम खाते हैं उसके लिए पे करते हैं, हम पहनते हैं उसके लिए पे करते हैं, लेकिन जो एक ऑक्सीजन है जिसके बिना हम केवल 2 या 3 मिनट भी नहीं रह सकते, उसके लिए हम कुछ नहीं करते। तो मेरा संदेश यही है कि सभी पेड़ लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़। नहीं, समस्या ये है डॉक्टर अनिल जी कि बहुत लोग ये कहते हैं कि हमारी रुचि तो है लेकिन हम व्यस्त हैं। उन्हें कुछ आप ऐसा सुझाव बताएं, क्योंकि व्यस्त तो आप भी, आपके भी ACS में पब्लिकेशन आ रहे हैं। बिल्कुल व्यस्त तो वो है, लेकिन अगर उनकी नाक बंद कर दी जाए 2 मिनट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नाक अगर 2 मिनट के लिए बंद कर दी जाए, उनके लिए ऑक्सीजन बंद कर दी जाए, तो उनकी सारी व्यस्तता दूर हो जाएगी जिस चीज के लिए हम नहीं रह सकते। जी जी जी, मुझे बिल्कुल याद आ रहा है, स्वामी विवेकानंद के कथन याद आ रहे हैं, जो कहता है कि मैं व्यस्त हूँ, वास्तविकता में वो अस्त और व्यस्त है। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कुछ समय दिया इस महत्वपूर्ण पल में से निकाल के हमारे लिए। धन्यवाद डॉक्टर अनिल। धन्यवाद।